ठाकुर देवी कौन है। जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता, आपका स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज हम जानेंगे ठाकुर माता के बारे में। आज हम आपके बीच ठाकुर माता के इतिहास को लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको ठाकुर देवी का मुख्य स्थान और कुछ विशेष बातों की जानकारी दूंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको रोज कोई न कोई धर्म से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट की थी, आप ठाकुर माता के बारे में जानकारी दो, इसलिए आपको मैं आज ठाकुर माता के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं ठाकुर माता का इतिहास। ठाकुर माता लोकतंत्र में मानी जाने वाली एक प्रमुख देवी है। पूरब का तंत्र, जो कि लोक परंपरा में सबसे बड़ा तंत्र माना गया है, उस तंत्र में इनका नाम शामिल है, और लोक मान्यताओं के आधार पर ही इनकी पूजा होती है। ये पूरब के तंत्र का एक अहम हिस्सा मानी गई है। इनका मुख्य नाम खाकन था, पर लोग इनको ठाकुर देवी बोला करते हैं। ये माता मसानी और माता कालिका की सेवा में रहती थी। कुछ लोग इनको मसानी माता की बहन भी बताते हैं, तो कुछ लोग इनको ठाकुर खाकन मसानी भी बोला करते हैं। इनका मुख्य स्थान फरीदाबाद हरियाणा के मादलपुर गांव में पड़ता है। मादलपुर गांव में ठाकुर देवी का स्थान बना हुआ है। पहले पुराने समय में यहां ठाकुर माता का मैदान हुआ करता था, और उसमें ही एक कच्चा चबूतरा बना हुआ था, जिसको थान या चौड़ी बोला करते हैं। पर इनका कोई मंदिर नहीं होता है, न ही इनकी कोई मूर्ति प्रतिमा होती है। लोक परंपराओं के रूप में ही इनको पूजा जाता है। इनका थान एक पेड़ के नीचे स्थापित है। उस पेड़ पर लाल चुदरी और झंडे, हरी चूड़ियां तथा मन्नत धागे श्रद्धालु द्वारा बांधे जाते हैं। पहले दोस्तों इनका चबूतरा कच्चा बना हुआ था, पर अब इनका चबूतरा पक्का बना दिया गया है, और जो इनका मैदान हुआ करता था उसमें श्रद्धालु भक्तों के द्वारा कुछ कमरे धर्मशाला के जैसे बनवा दिए हैं, पर इनका कोई मंदिर नहीं है। इनको पेड़ के नीचे खुले में ही पूजा जाता है। ग्रामीण लोगों का मानना है कि अगर इनका कोई मंदिर बनवाने का प्रयास करता था तो ये उस प्रयास को असफल कर देती थी। ये उस स्थान पर मंदिर नहीं बनने देती थी। और पुराने लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों ने इनके स्थान को हटाना चाहा, तो इन्होंने अपने स्थान को नहीं हटने दिया, और उन लोगों को परेशान किया और उनके खेत आदि को समाप्त कर दिया था। ये देवी स्वभाव से तो साधारण है, पर इनका गुस्सा भी कम नहीं है। ये बुरे के लिए बुरी शक्ति और अच्छे के लिए अच्छी शक्ति मानी गई है। साथ ही इनके थान चबूतरे के पास ही कंठी माता का भी थान बना हुआ है। कंठी देवी ठाकुर माता के साथ ही रहती है। अगर बात करें ठाकुर माता के स्वरूप के बारे में, इनका स्वरूप बहुत ही साधारण माना गया है। ये मसानी माता के जैसे ही स्वरूप बदल सकती है। जिन भक्तों ने इनकी साधना की है, उनको ये अपना प्रत्यक्ष रूप भी दिखा देती है। भगत ओझा लोगों को इनकी सवारी और सेवा भी इनकी साधना से मिलती है। बहुत से परिवारों में इनकी पूजा की जाती है, और लोग मुंडन भेंट आदि जात करवाने आते हैं। ये अच्छे और बुरे दोनों में साधकों के काम करती है। ये गुप्त तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। इनका तंत्र और शक्तियां भी गुप्त रहती है। इनके साथ माता मसानी, माता कालिका, माता कंठी, बाबा लाल बाग और पांच बाबरे साथ चलते हैं। ये सभी एक ही ठाकुर माई के स्थान पर पूजे जाते हैं। ये कालिका माता की आन और मदानंद माता और मसानी माता की आन पर ही रुक सकती है। इनके सात्विक भोग में पूरा पूरी पांच तरह की मिठाई और कुछ लोगों के यहाँ बासे रोटे चढ़ते हैं। इनके तामसी भोग में सूअर की बची की बलि और मदिरा शराब भी चढ़ाई जाती है। ये देवी निसंतान लोगों की झोली भर देती है। ये काले जादू से बाधी कोख को भी खोल देती है। जो लोग इनकी जात दर्शन को जाते हैं, वे घर से ही प्रसाद, दीपक, धूप, फूल माला, चुदरी, हरी चूड़िया ले जाते हैं, क्योंकि ये देवी तंत्र से जुड़ी हुई है। इनकी पूजा सभी के लिए नहीं है। इनकी जात यात्रा वे लोग करते हैं जो इनको पूजा करते आए हो। इनको घर में स्थान नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी ठाकुर माता से जुड़ी जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको ठाकुर माता की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और आप भी सच्चे सनातनी हैं और माता में अपनी सच्ची आस्था रखते हैं, तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखें, या आपका कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय माँ काली, हर हर महादेव।